हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और हम भोग लगाने के लिए बनाएंगे पंजीरी और पंचामृत। आइए सबसे पहले पंजीरी के लिए आटा रोस्ट करते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी गाय का घी लेंगे और इसको गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे। अब इसमें 1/2 किलो आटा डालेंगे और धीमी आंच पर धीरे धीरे इसको चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ये देखिए आटा का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है। अब इसमें बीच में जगह बनाकर 1 टेबलस्पून और घी डालेंगे। और इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसको भी 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता और गरी का चूरा लिया हुआ है और मखाना का लावा लिया हुआ है। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे, लेकिन 2-3 मिनट तक इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो तली में आटा लग जाएगा। अब इसे ठंडा होने दें और चलिए पंचामृत बनाते हैं। एक बड़े बर्तन में 1/2 किलो दही, वो भी गाय के दूध से बनी हुई लेंगे। इसमें 200 ml गाय का कच्चा दूध डालेंगे। 1 टेबल स्पून गाय का देसी घी डालेंगे। 2 टेबल स्पून हनी डालेंगे। 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से व्हिप करेंगे। व्हिप करने से चीनी भी घुल जाएगी और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें भी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और सफिशियंट अमाउंट में मखाना का लावा डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मखाना का लावा जब फूलता है तो पंचामृत का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छा हो जाता है। पंचामृत को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच गंगा जल डालेंगे। गंगा जल और तुलसी के पत्ते के बिना पंचामृत कंप्लीट नहीं होता है। पंचामृत बन गया, अब चलिए पंजीरी बना लेते हैं। रोस्टेड आटा और ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो चुका है। अब इसमें 300 ग्राम पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पंचामृत, पंजीरी या फिर कोई भी प्रसाद बनाते समय 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला तो साफ सफाई बहुत अच्छे से हो, दूसरा श्रद्धा और पवित्र भाव से बनाएं तो प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये लीजिए, पंचामृत और पंजीरी बनकर तैयार हो गया। अब तुलसी दल से भोग लगा दें और कान्हा को अर्पित कर दें। फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।